इसी प्रकार से स्टॉक रजिस्टर मेंटेन करते हैं। तो स्टॉक रजिस्टर जो है दो तरह का होता है, एक कंज्यूमेबल रजिस्टर और एक फिक्स एसेट्स रजिस्टर। तो कंज्यूमेबल रजिस्टर जो होता है, कंज्यूमेबल एसेट्स रजिस्टर, जिसमें हम लोग किताब कॉपी जो जो सामग्री का उपयोग एक साल के अंदर एक वित्तीय वर्ष के अंतर्गत हो जाता है उसे कंज्यूमेबल एसेट्स बोलते हैं, तो उसमें इसको डालते हैं। और जिन सामग्रियों का उपयोग हम एक साल से अधिक के लिए करते हैं उसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स रजिस्टर। फिक्स एसेट्स बोलते हैं उसको जिसको फिक्स एसेट रजिस्टर में इसकी एंट्री की जाती है। ये रजिस्टर से ये मालूम चलता है कि हमने कौन कौन सा सामान खरीदा और कौन कौन सा सामान हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया और किसको किया, कब किया और किस वेंडर से मैंने क्रय किया, तो ये फिक्स एसेट रजिस्टर से तुम लोगों को मालूम चलता है। इसके बाद है तुमको इसी प्रकार से जितने भी रजिस्टर होते हैं, जैसे कि जेंटर लॉग बुक है या मजदूरी पंजी है, मजदूर भुगतान पंजी है, ये सब में यही मालूम करता है कि किस किस मजदूर ने काम किया, उसका नाम पता क्या है, कितने दिन काम किया या प्रतिदिन उसको कितना भुगतान करना था, ये मालूम चलता है। लॉग बुक से क्या मालूम चलेगा जेंटर लॉग बुक से कि कितना ईंधन हमने लिया, कितना देर घंटा उसको चलाया, नहीं कितना खपत हुआ। तो ये सारी चीजें जो है बुक जो मेंटेन की जा रही हैं, ये सारी चीजें आपको क्या है कि हम जो खर्च करते हैं ना उसका एविडेंस होना चाहिए। इसके सब इसके बाद आपको है सबसे इम्पोर्टेंट कि गार्ड फाइल फॉर वाउचर्स, ये आपने जो टीपीए निकाला वो किस बेसिस पे निकाला। आप अकाउंटिंग की कोई भी सिस्टम अपना लें, चाहे ट्रांजेक्शन की सिस्टम हो, बैंक ट्रांजेक्शन से बात हो या चेक से भुगतान हो, कोई भी भुगतान होगा, लेकिन एक चीज हमेशा स्थायी रहेगा, जानते हैं क्या, वो है वाउचर बिल, वो परिवर्तित नहीं होगा, वो आपके पास होना ही होना चाहिए, ठीक है ना। किसी वेंडर का जीएसटी बिल होना ही होना है, ट्रांजेक्शन इसी के आधार पर हम लोग करना है, ये चीज होगी आपको। इसके अलावा क्या है कि आपको पूछा जाएगा कि आप लोग बी आर एस बनाते हैं, तो क्या बोलिएगा आप लोग, नहीं बनाते हैं, लेकिन जानकारी रहना चाहिए। हाँ सर हम लोग बनाते हैं बी आर एस, होता है बी आर एस क्या होता है तो आप लोग बताइएगा कि जो हम लोग ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक से, मान लीजिए कि हम 5 की पी ए निकाले तो उसको हम बैंक स्टेटमेंट लेकर के मिलाते हैं कि हम पाँचों की पी ए जो है बैंक से क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर क्लियर नहीं होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैश बुक का बैलेंस और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस दोनों को मिलान करने के लिए जो स्टेटमेंट बनाया जाता है उसे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बोलते हैं, बैंक समाधान विवरणी बोलते हैं उसको, तो बोलेंगे कि हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो ये मिलान करके आप लोग देख भी लेते हैं ना कि ये जो रजिस्टर है अगर ये नहीं भी बनाते हैं आप तो पीटीए रजिस्टर में एक कॉलम पढ़ा दीजिए, उसमें बैंक द्वारा समाशोधन की तिथि, सब सुनिए, पीपीए रजिस्टर में ये कॉलम बढ़ा दीजिए कि बैंक द्वारा समाशोधन की स्थिति तिथि, नहीं तो मान लीजिए पीपीए आपने 14 तारीख को निकाला है और बैंक ने 18 तारीख को क्लियर कर दिया है, ठीक है ना, तो वहां 18 तारीख आ जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक बीआरएस बन गया। ये आप कन्फर्म हो गए कि हमने जो पीपीए निकाला था वो बैंक से क्लियर हो गया, तो आपको अलग से कोई स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। ये चीज जो बीएससी के अकाउंटेंट हैं वो सभी विद्यालय में लागू कर पाएंगे। पीपीए रजिस्टर जो वो बनाता है तो उसमें एक कॉलम जुड़वा दीजिए बैंक द्वारा राशि समाशोधन की तिथि, ठीक है, और इससे क्या होगा कि ऑलरेडी बीआरएस आपका बन जाएगा, जब वो क्लियर नहीं होगा तब फिर उसको रिवर्स कर देंगे उसी पीपीए रजिस्टर में। तो ये सारी चीजें हैं आपको। और जो आप लोगों को वाउचर टाइप बताया गया था कि रिसीप्ट वाउचर, पेमेंट वाउचर, कंट्रा वाउचर और जर्नल वाउचर, ये चार चीज हमेशा याद रखना होगा। तो आज का इतना देर का मीटिंग का मेरा फलाफल अगर जो अभी रिपीट किए है ना इतना याद रखना, तुम लोग इतना कम से कम याद रखोगे तो आज का हम लोग का ट्रेनिंग का